हरियाणा की बहादुर गर्ल स्पेशल टास्क फोर्स ने विदेश में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाव के 3 शूटर को गिरफ्तार किया है। तीनों के पास से 4 पिस्टल, रिवॉल्वर और 1 डोगा दुनाली के अलावा 14 कारतूस बरामद किए गए हैं। तीनों शूटर जेट ब्लैक ग्लास वाली बोलेरो कार में किसी वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले ही एसटीएफ ने उन्हें धर दबोचा। एसटीएफ तीनों से पूछताछ में जुटी हुई है। दरअसल बहादुरगढ़ एसटीएफ यूनिट शनिवार शाम को एक मोस्ट वांटेड की तलाश में थी। इस दौरान यूनिट को सूचना मिली कि हिमांशु भाव गैंग से जुड़े 3 अपराधी जसोल खेड़ी की तरफ से आएंगे और कलासी से गुजरेंगे। इनमें से एक अपराधी हिमांशु के साथ ही अमन का भाई विशाल है। इनके पास भारी मात्रा में हथियार है जिनका इस्तेमाल किसी जघन्य या संगठित अपराध में किया जा सकता है। सूचना पर टीम हरकत में आई। पहले शीशे लगी सफेद रंग की बोलेरो कार को रोका गया। कार में 3 युवक सवार थे। तलाशी लेने पर उनके पास से 3 पिस्टल, 1 डबल बैरल बंदूक और 1 रिवॉल्वर के साथ 14 कारतूस बरामद हुए। सभी हथियारों में कारतूस लोडेड थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विशाल निवासी निलोठी, प्रवीण निवासी जसोर खेड़ी और आकाश उर्फ सागर निवासी असोदा के रूप में हुई है। इनमें विशाल का भाई अमन हिमांशु का साथी बताया जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ सदर थाने में मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस इस बारे में जानकारी जुटा रही है कि आरोपी कहां जा रहे थे और इन हथियारों का इस्तेमाल कहां किया जाना था। रविवार को पुलिस तीनों अपराधियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी। पूछताछ में आरोपियों से कई खुलासे होने की संभावना है। बता दें कि हिमांशु भाव अमेरिका से गिरोह चला रहा है। हिमांशु के इशारे पर उसके गुर्गे दिल्ली, हरियाणा में हत्या, रंगदारी, फायरिंग की कई वारदात कर चुके हैं। बहादुरगढ़ में भी हिमांशु के नाम पर लोगों से रंगदारी मांगने के मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस लगातार हिमांशु गिरोह पर शिकंजा कस रही है। हाल ही में गिरोह के अपराधियों का एनकाउंटर किया गया था और अब एसटीएफ ने बहादुरगढ़ क्षेत्र से 3 अपराधियों को पकड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।